अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का थर्ड मैलिस में एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, वो आपसे शेयर करूंगा और सेकंड मैलिस का भी क्लोजिंग आपसे शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया, इसको फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आपसे पहले नंबर पर बात करें तो आपकी जो डाटा साइंस का जो क्लोजिंग मेरिट था सेकंड मैलिस में वो 90 पे आया था, 90.82 था। तो नेक्स्ट मैलिस में इसका जो मेरिट है थर्ड मैलिस में वो 86.85 तक आ जाएगा। उसके बाद डेयरी साइंस का क्लोजिंग मेरिट 59 पे आ चुका है, इसका मेरिट भी तकरीबन 5-7% नेक्स्ट मैलिस में थर्ड में डिक्रीज हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लोजिंग मेरिट 90.82 पे रुका है, तो 4% तकरीबन मेरिट का थर्ड मैलिस में डिक्रीज होगा। बीएड फोर और प्रोग्राम्स का मेरिट 60 पे रुका है, इसका भी 10% मेरिट डिक्रीज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्लोजिंग मेरिट 85 पे रुका है, तो 80 तक आ जाएगा, इसका भी नेक्स्ट मैलिस में। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट भी 85 पे रुका है, तो इसका भी 80 तक आ जाएगा थर्ड मैलिस में। कंप्यूटर साइंस का 86 पे रुका है, इसका भी 80 तक आ जाएगा। एनिमल साइंस का 63 पे रुका है, इसका भी तकरीबन 58 तक मेरिट आ जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी का 60 पर रुका है, इसका मेरिट भी तकरीबन 55 तक आ जाएगा। एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स का क्लोजिंग मेरिट 67.29 पर रुका, तो इसका मेरिट भी 60 तक आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का क्लोजिंग मेरिट 59.99 पर रुका, मेरिट भी 50 तक आ जाएगा। उसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का क्लोजिंग मेरिट 60 पे रुका है, इसका मेरिट भी 50 तक आ जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 68 पे रुका है, इसका भी तकरीबन 50 तक आ जाएगा। फूड इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट 68 पे रुका है, 60 तक इजीली आ जाएगा। इसका मेरिट भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 85 पे रुका है, इसका मेरिट भी नेक्स्ट मैलिस में तकरीबन 78 तक आ जाएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 64 पे रुका है, इसका मेरिट भी तकरीबन 58 तक आ जाएगा। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का क्लोजिंग मेरिट 85 पे रुका है, इसका मेरिट भी स्टूडेंट 68 तक आ जाएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का क्लोजिंग मेरिट 72 पे रुका है, इसका मेरिट भी तकरीबन जो है 5-7% मजीद डिक्रीज होगा। ये आरएस कैंपस के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट इसका बीएस इंग्लिश का जो क्लोजिंग मेरिट है स्टूडेंट 68 पे रुका, तो इसका 60 तक आ जाएगा मेरिट। मैथ का 59 पे रुका है, 50 तक आ जाएगा मेरिट नेक्स्ट मैल। इसमें बॉटनी का 68 पे रुका है, तो इसका मेरिट भी 60 तक आ जाएगा। स्टैट का मेरिट 56 पे रुका है, तो इसका मेरिट भी 50 तक आ जाएगा। केमिस्ट्री का मेरिट जो है 75 पे रुका है, उसका मेरिट भी तकरीबन 68 तक आ जाएगा। फिजिक्स का 55 पे रुका है, तो इसका मेरिट भी तकरीबन 48 तक आ जाएगा। ये मैंने आपसे जो क्लोजिंग मेरिट आपसे शेयर किए हैं, ये स्टूडेंट्स सेकंड मैलिस के थे, और जो एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया ये थर्ड मैलिस के लिए इसका क्लोजिंग मेरिट है। पहली मैलिस में ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम आए थे, सेकंड मैलिस में भी ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम आए थे। अब जो मजीद मैलिस है इसकी डिस्प्ले होनी है, उनमें इतने ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम नहीं आने, लिस्ट जो है वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू जो इसकी पहली दो मैलिस डिस्प्ले हुई है। तो इसकी मजीद आगे जो मैलिस डिस्प्ले होनी है उनमें स्टूडेंट्स आपके जो कैंडिडेट्स होंगे लिस्ट में वो कम होंगे एज कम्पेयर टू जो पहली मैलिस लगी उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम होंगे। लेकिन अब जो थर्ड मैलिस डिस्प्ले होगी उसमें काफी कम स्टूडेंट्स के नाम होंगे, इतने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी स्टूडेंट्स की, कम स्टूडेंट्स होंगे। तो बाकी बेस्ट विशेज हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। 29 अगस्त को आपकी मैलिस डिस्प्ले होनी है थर्ड मैलिस, तो जैसे ही मैलिस डिस्प्ले होगी उसका भी उसके हवाले से भी आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ।